और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के गाड़ासराई में। यहां पर एक सोने पड़े मकान में अज्ञात तो शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और वहीं स्थानीय निवासियों ने यहां पर जब लगातार आ रही दुर्गंध की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर और उसका पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उसका गन्नागुड़ा गाड़ासराई में उसका ससुराल है, जो अपनी पत्नी के साथ यहीं रह रहा था और रंजीत साहू उनके यहाँ है, जो मंदिर में निर्माण पहले पुताई का काम उसको दिया गया था। 1200 रुपये में उसने ठेका लिया था पुताई करने का, तो अब पुताई का काम चल रहा था। बीच में इसने वहाँ जाने का भी कैब किया, जिसमें लोगों ने इसके घर पर भी सूचना की थी, इसकी पत्नी और सास से इसकी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था पुताई के लिए भिजवाने के लिए। तो आज जो है आज सुबह देखे तो वहाँ पर उसका शव पड़ा हुआ था और पट अवस्था पड़ा हुआ था मृत, जिसकी बात में सुना थी। तो इसका नाम पता चला कि गोविंद निवासी रहने वाला, तो उसके परिजनों को बुलाया गया और सब पंचायतनामा कार्रवाई कर उसको अभी